अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फीड। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ब्लैक हेड्स रिमूव करने के बारे में बताऊंगी। आजकल जैसे सबको मालूम है, वायरस की वजह से सैलॉन्स बंद हैं और स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, और स्किन की केयर में जो है वो एक ब्लैक हेड्स भी आते हैं। अक्सर डस्ट की वजह से और स्किन का ख्याल ना रखने की वजह से हमारी स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उससे ब्लैक हेड्स भी बन जाते हैं, जिनको ख़त्म करना मुश्किल होता है और हमारी स्किन पर वो बहुत बदनुमा नज़र आते हैं। मेरी आज की रेमेडी बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रेमेडी की दर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेकिंग सोडा, इसके साथ हमें चाहिए कॉफ़ी और साथ में हमें चाहिए ग्लिसरीन। अब हमने इसको बनाना कैसे है, हम एक खाली बाउल ले लेंगे। पहले मैं आपको इनके बेनिफिट्स बता देती हूँ। बेकिंग सोडा जो है वो हमारे स्किन के पीएच लेवल को बढ़ाता है और रंगत को निखारता है, और जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करता है और ब्लैक हेड्स को भी ख़त्म करता है। कॉफ़ी जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ये स्किन को के कलर को निखारती है। और ग्लिसरीन जो है ये हमारे लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है और हमारी स्किन को नरम और मुलायम बनाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक खाली बाउल ले लेंगे। इसमें हम मिलाएंगे, पहले हम बेकिंग सोडा मिलाएंगे। इसमें हमने हाफ जो है टेबलस्पून बेकिंग सोडा मिलाना है, और कॉफ़ी भी हमने हाफ टेबलस्पून ही मिलानी है। और हमने ग्लिसरीन इसमें मिलानी है 1 टेबलस्पून। ये तीनों चीज़ें बहुत बेनिफिट हैं और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, ये कोई इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमने 1 टेबलस्पून इसमें ग्लिसरीन मिलानी है। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम और बहुत ही ज़बरदस्त बनाएगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि तीनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये हमारी स्किन से ब्लैक हेड्स को बिल्कुल ख़त्म कर दे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डेड स्किन जो है वो हमारी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये बीच में रह ना जाए, कोई चीज़ मिक्स की हुए बगैर रह ना जाए। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी भी है जो कि बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं वो हमारी चिन पर होते हैं ज़्यादा, नोज़ पर और फोरहेड पर। हमने इन्हें इसे सिर्फ नोज़ पे, चिन पे और फोरहेड पे यूज़ करना है। अब हमने यूज़ कैसे करना है, हमने एक वेस्ट जो है ब्रश ले लेना है, ब्रश की मदद से हमने इसको अप्लाई करना है, ब्रश से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको अपनी नोज़ पे, चिन पे और फोरहेड पे आपने ऐसे ऐसे रब करना है। आपने इसको अच्छे से रब करना है 3 से 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको रब करते रहना है। जो आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो आपके सॉफ्ट हो जाएंगे और इजीली निकल जाएंगे। आपने इसको अच्छे से रब करना है, उसके बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट रब करने के बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएगी और बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे।
इसमें हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया जो कि एज अ स्क्रब भी काम करेगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा, और ग्लाइसरीन भी आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगी, और जो कॉफ़ी है वो आपकी स्किन को निखारेगी। आपने 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर लेना है। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरम मुलायम हो जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये थी मेरी आज की रेमेडी। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। न्यू वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।